बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाज किचन। डाज किचन में आज आपके साथ कोरोना वायरस से बचने और अपने किचन को ऑपरेटिव रखने की चंद एहतियाती तदाबीर शेयर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में आ चुकी है और उसके असरात हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, तो हमें चाहिए हम अपने आप को और अपनी फैमिली को इस वायरस से महफूज रखें। और जिस तरह हमें हदायत मिल रही है, हमारी हुकूमत कह रही है कि हजूम में मत जाएं और ज़्यादा बाजारों में मत फिरें, तो बेहतर यही है कि हम एक दिन सारी शॉपिंग कर लें और सामान अच्छे तरीके से पूरे एक महीना यूटिलाइज करें। उसके लिए मैंने इस तरह किया है कि बेसिक चीज़ें मार्केट से खरीद ली हैं, जिसमें से प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, हरी मिर्च और सब्जियों में मैंने जो मेरी ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो मैंने ली हैं। मटर हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, धनिया, गाजरें, टमाटर, लहसुन और गोश्त वगैरह में मटन और चिकन वगैरह जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जिस किस्म की आप खुराक खाते हैं, आपकी डाइट है, उस तरह आप अपनी शॉपिंग करें। तो ये जो मैंने अपनी फैमिली के लिहाज से जो चीज़ें खरीदी हैं और वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने उनको किस तरह प्रिजर्व किया है और उनको किस तरह इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए प्याज प्रिजर्व कर लिया है। प्याज तो वैसे भी महीना ही ठीक रहता है, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए उसको रखना चाहते हैं तो आप उसको फ्राई भी कर सकती हैं। तो लहसुन अदरक को छील के, अदरक को लहसुन को छील के उसको इस तरह टुकड़ियों की शक्ल में कर लिया। तो लहसुन अदरक छीलने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको फिर छुरी की मदद से पीसेस कर लें। ये देखें, इसको इस तरह निशान लगाए। इसको मैंने एक घंटा पहले फ्रीजर में रख दिया था, तो अब ये अच्छे निशान इसमें लग रहे हैं। और इसको पहले लहसुन को छीला, अदरक को भी छीला, अच्छी तरह धोया, धोने के बाद इसको चॉपर में चॉप कर लिया। और इस तरह देखिए, सारे निशान लगाने के बाद क्यूब्स की शक्ल में आप निशान लगा दें। इस तरह निशान लगाने के बाद इसको दो दिन फ्रीजर में पड़ा रहने दूंगी, तो ये इसकी शक्ल बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो जब भी सालन बनाना होगा, प्याज काटें, टमाटर डालें और ये लहसुन अदरक की पेस्ट डालें, यूज करें। ये प्रिजर्व हो गया, लहसुन अदरक भी प्रिजर्व कर लिया और हरी मिर्चें भी जो है ना उनको भी काट के आप इस तरह फ्रीजर में रख सकते हैं, प्रिजर्व करें, ये बड़ी अच्छी रहती है। और हरा प्याज भी कटिंग करके, पहले आपने साबुत हरा प्याज धोना है, धोने के बाद उसको फिर काटना है आपने। तो ये चाइनीज में और चावलों में बड़ा अच्छा यूज होता है। और जो मटर है उनको भी छील के, तो अच्छी तरह धोने के बाद पानी को बॉईल करने, बॉईल करने के बाद आपने उस पर फिर ये मटर डालने, एक तो जोश आता है, उसके बाद फिर आपने जो है ना मटर किसी छानी में डाल देने, छानी में डालें, ठंडे हो जाएं, ठंडे होने के बाद आपने जिप लॉक बैग में डाल के तो उसको फ्रीजर में रख, मटर भी आपके प्रिजर्व हो गए, ये भी आप आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों ने चाइनीज खाने की फरमाइश कर दी है, तो वो भी हमने फ्रीज कर लिए चाइनीज के लिए, शिमला मिर्च, तो उसको भी साबुत पहले धोया, धोने के बाद इसको बीज वगैरह निकाल दिए और क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। ये देखिए कितनी अच्छी है, इसको भी फ्रीज कर देंगे ताकि मार्केट हमें ना जाना पड़े। हजूम में जाने से मना किया है क्योंकि वायरस लग जाता है, तो बेहतर यही है कि आप सारी तैयारी करके रखें। और ये तो हो गया आपने जब भी चाइनीज बनाने, मंचूरियन के लिए हो गया। और दूसरा ये है, चावलों में या किसी और चीज़ में आप शिमला मिर्च डालना चाहते हैं तो वो बारीक शक्ल में काट लिए, साबुत शिमला मिर्च धो के उसको बीज निकाल के फिर इसकी कटिंग की है, कटर कटिंग बोर्ड पे कर लें।
और इसी तरह गाजरों को भी हमने जो है ना वो साबुत पहले छीली हैं, फिर धोया है, धोने के बाद उनको काट लिया, उसको भी फ्रीज कर देंगे। ये देखें चावलों में डालें जिसमें मर्जी डालें और आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। और दूसरा ये आजकल ऐसे शॉपर मिल रहे हैं इस तरह के, इस कपड़े के मटेरियल में। अगर आप हरी मिर्चें फ्रीज नहीं करना चाहते और धनिया, जैसे अक्सर होता है कि धनिया खराब हो जाता है, तो वो आप इस थैले जो आते हैं उनको काट के कपड़े नुमा में शेप में कर ले, या फिर थैला ही रहने दे, उसमें आप ये रखें धनिया रखें, साफ करके गले हुए पत्ते वगैरह निकाल दें और हरी मिर्चें उसमें डालें, उसको आप फ्रिज में रखें, ये आपका 15 से 20 दिन ठीक रहेगा। तो धोना नहीं है आपने इसको, धोए बगैर रखना है। अगर आप इसको पानी लग जाएगा तो ये गल जाएगा, इसी तरह साफ करके आपने रखना है। गोश्त को भी धोने के बाद छाननी में रखें और फिर उस तरह पैकेट आप बनाएं और बड़ा अच्छा रहेगा। चिकन भी हमने फ्रीज कर लिए कुछ पैकेट्स, और गोश्त भी इस तरह पैकेट बना के धो के अच्छी तरह पानी निकाल के उसको फ्रीज कर लिया, और आलू भी मंगवा के रख लिए, क्योंकि बच्चों को चिप्स का बड़ा होता है कि चिप्स मिले हमें, तो आलू का भी चिप्स भी हम इसकी बनाएंगे। उसको ये है कि आलू को अच्छी तरह छीलने के बाद चिप्स काट के, तो आप उसको कॉर्नफ्लोर लगा के और हाफ डन फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं, मगर उसको ठंडा करने के बाद आपने फ्रीज करना है, चिप्स को गर्म फ्रीज नहीं करना। बाकी ये है कि टमाटर, जैसे टमाटर तो आजकल बहुत सस्ते मिल रहे हैं मार्केट में, वो भी हम फ्रीज करने लगे हैं। टमाटरों को धोया अच्छी तरह, धोने के बाद इसको हमने चॉप कर लिए, चॉप करने के बाद फ्रीजर में रख दिया था, अब ये तकरीबन कुछ 6-7 जम चुका है, इसको भी हम क्यूब्स की शक्ल में निशान लगा लेंगे इस तरह सारे, कुछ क्यूब्स बड़ी बना लेंगे, कुछ छोटी बना लेंगे, ताकि जितना हमारी ग्रेवी की हमें ज़रूरत है, बाद सब ज़्यादा ग्रेवी बनानी होती है तो ज़्यादा बड़े पीसेस डालें या दो डालें, तो इस हिसाब से हम ये क्यूब्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह निशान लगा लेंगे और जब हमने ग्रेवी बनानी होगी सालन के लिए तो क्यूब निकालेंगे और सालन में डाल लेंगे, तो ये 2 दिन फ्रीजर में पड़ी रहेगी और उसके बाद ये अच्छी तरह जम जाएगी, तो उसको फिर निकाल के हम जिप लॉक बैग में डाल लेंगे ताकि वो ठीक रहे। एक तो फ्रिज में स्पेस भी बन जाती है, बॉक्सेस रखने से जगह ज्यादा ले लेते हैं, तो बेहतर ये कि हम किसी जिप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीजर में रखें। तो इस तरह आप ही सारी तैयारी करके रखें ताकि आप बाहर बाजारों में कम से कम जा सकें और घर में सारा सामान आपके मौजूद हो और आप वो निकालें और इस्तेमाल करें। प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी हर कुछ घर में मौजूद होगी तो बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। गोश्त भूने, प्याज और जो मसाले की बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने सारी फ्रीज की होंगी, उसमें मटर डालें, इस्तेमाल करें। चाइनीज़ भी बना सकते हैं और बाकी चीज़ें भी इसी तरह आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो दूसरा ये है चटनी, ये मैंने आपको इसकी रेसिपी बताई थी, वो भी मैंने इसी तरह उसको क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज कर लिया। ये देखिए जो चटनी की रेसिपी शेयर की थी उसको निशान लगा के बॉक्स से निकाल के तो उसको भी फ्रीज कर लिया और उसको भी इस तरह से टॉक बैग में डाल दिया। जब चटनी खाने को दिल चाहेगा तो इसको डीप फ्रॉस्ट करेंगे और दही में शामिल करेंगे और चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जहन में रखा करें और इनका इस्तेमाल किया करें, और जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं उसके लिए तो बेहतरीन है कि हम ज़्यादा बाहर ना जाएँ, एक दिन में सारी शॉपिंग करें, टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा और दूसरा हम कोरोना वायरस से भी बच जाएंगे और अपनी फैमिली को भी महफूज रखेंगे। आप अपने आप को भी महफूज रखें, अपनी फैमिली को भी महफूज रखें, और जैसे बच्चों को छुट्टियां हैं वो उनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, उनकी फरमाइशें भी आप पूरी कर सकते हैं और बॉदरेशन से भी आप बच जाएंगे। दूसरा ये एक दिन दो दिन आपका टाइम ज़रूर लगेगा इन सारी चीज़ों को तैयार करने पर, मगर ये है कि आप अपने घर के हर फर्द को साथ लगाएं। मैंने तो आज अपने घर के तमाम फर्ज को साथ लगाया था, बच्चों को, बड़ों को, सब साथ लगे थे, तो हम ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो आप भी पूरी फैमिली साथ मिलजुल कर सारी चीज़ों को तैयार करें और अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।